अगले कॉलर। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मैं नितेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर मेरा ये कहना है कि हम देश को देखें और धर्म को देखें तो देश हमेशा से ही पहले स्थान पर रहा है और पहले से ही रहा है। हमारे जो पुराने शहीद है, जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने ना ही धर्म की परवाह करी, ना ही उन्होंने उम्र की परवाह करी और वो हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए। अभी भी जो बॉर्डर पे हमारे जितने भी सैनिक हैं वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही देश के लिए, एक ही मुल्क के लिए जो है सीमा पे खड़े होकर उसकी चौकसी दे रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो सर मेरा मानना है कि ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको खदेड़ना चाहिए यहाँ से, जो धर्म के नाम पे और लोगों को बांटते हैं, लोगों को अलग अलग करते हैं। तो मेरी समझ में देश जो है वो हमेशा से ही सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है। बिल्कुल। हम चलते हैं गजेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ इस राष्ट्र सर्वप्रथम पर अपनी कुछ लाइनें कहने के लिए है। गजेंद्र जी बोलिए। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा मुद्दा उठाया है और जिसके ऊपर चर्चा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हिंदुस्तान में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि राजनीति जिस ओर ले जा रही है हिंदुस्तान को, जाति पंथ संप्रदाय के ऊपर, कल भी इस विषय को लेकर चल रहा था विषय, मैंने कभी लिखा था कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे और रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। तो पूरी दुनिया में कहीं चले जाइएगा, अपने देश से ऊपर किसी चीज को नहीं मानते लोग, लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गलत संदेश जा रहा है और इसके ऊपर पहले भी हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है। अगर ये परिस्थितियां नहीं सुधारी गई तो भविष्य में और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो धर्म है वो अपने व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, भारत की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो ये विषय कहीं ना कहीं पीछे रहने चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम आना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी के मन में, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। ओके बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सर मैं सऊदी अरब से रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरा ये मानना है आज जो ये भगवा पहन के स्वामी अग्निवेश ये लोग घूम रहे हैं और मुसलमानों की महफिल में बैठ रहे हैं, वहां पे नेताओं को सभा संबोधित कर रहे हैं, ये हमको ये नहीं पता चल रहा है इसकी माँ के औलाद हैं, हिंदू के हैं कि मुसलमान के हैं। इन साले लोगों को तो गोली मार देना चाहिए सर, इन्हें देश में रहने का कोई हक नहीं बनता है, इन्हें हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं बनता। हम सऊदी अरब में है, हम यहाँ के कानून को, यहाँ के रीति रिवाज को देख रहे हैं, यहाँ पे इनको अपना धर्म सबसे प्यारा होता है, अपना देश सबसे प्यारा होता है, और हमारे देश में हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू होके। बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको अब एक भारत में ये सारी विविधता के बाद भी कैसी एकता है जरा देखिए। भारत बहुत सी विभिन्नताओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों की मान्यताओं में विश्वास करते हैं। भारत में 100 कदम पर पानी और 3 कोस पर वाणी बदलती है। भारत में कई प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यहाँ सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्णिमा से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक। उत्तर भारत में बैसाखी धूमधाम से मनाई जाती है, तो वहीं होली और दीपावली जैसे पर्व भी उत्साह से मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ओणम और पोंगल जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में दशहरा, तो पश्चिम में नवरात्रि और गणेश चतुर्थी का पर्व देखने लायक होता है। भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग भोजन। भारत में 4 प्रकार के सीजन प्रकृति की देन। भारतीय सर्दी के साथ साथ गर्मी का भी लुत्फ उठाते हैं, वहीं बरसात के साथ बसंत का मौसम केवल भारत को ही मिलता है। भारत के विभिन्न भागों के अलग अलग तरह वेशभूषा। इसके अलावा भी भारतीयों में कई प्रकार की विभिन्नताएं। भारत पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण जैसे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन पूरे भारत को एक तिरंगा अपने नीचे संगठित करता है, इसे ही भारत की एकता में अखंडता कहते हैं। लेकिन आज कुछ भारतीय इस एकता को धर्म के नाम पर तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। क्या हम टूटेंगे? कभी नहीं। भारत की एकता को तोड़ने की साजिश कभी सफल नहीं होगी।
लेकिन इतिहास दुर्भाग्य से यही बताता है कि इस देश को तोड़ने की साजिश सफल होती है, राजनीति उसको सफल बनाती है, और ऐसा इस देश को बार बार टूटा है। यह कभी कितना बड़ा था याद करिए, और अब यह फिर टूटने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि यहां का देशभक्त, देशभक्त तो है लेकिन वो बाबा मौनी है, वो चुप है, और वो चुप बैठता है, इसलिए देशद्रोही, देशद्रोही बार 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 अपना गंदा मुंह खोलता है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही रहा तो क्या परिणाम होंगे। सर्वश्रेष्ठ या मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ वाली बातें शुरू हो जाएंगी। जब लोग धर्म को देश से ऊपर बताने लगेंगे तो लोगों में अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ शुरू हो जाएगी। ऐसे में राष्ट्र प्रेम कहीं नहीं दिखेगा, देश की एकता और अखंडता कमजोर हो जाएगी। अगर लोग धर्म को देश से ऊपर बताकर देश के राष्ट्रीय गीतों और पर्वों का विरोध करेंगे तो आने वाले वक्त में लोगों में देश के प्रति श्रद्धा में कमी आएगी। विदेशी भारत को धार्मिक आधार पर बांटने में कामयाब हो जाएंगे। जब किसी देश की एकता तोड़नी हो तो उस देश के लोगों को धार्मिक आधार पर तोड़ना शुरू कर दो। धर्म के आधार पर लोगों में देश के प्रति जुड़ी श्रद्धा को तोड़कर उस देश को कमजोर कर दो। ऐसा ही आज भारत में हो रहा है। देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी। अगर लोग धर्म के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगेंगे तो इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी, देश प्रेम की भावना में कमी आएगी। जो लोग खुलेआम देश के शहीदों का अपमान करते हों उनमें क्या देशभक्ति होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। समाज, वर्ग और वो देशभक्ति ही है जो भारत के हर संप्रदाय और हर वर्ग को एक साथ खड़ा करती है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों में देशभक्ति जगाने की बजाय उसे कम कर रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि पूरा देश एक तिरंगे। उपाय भी दिखाते हैं जो आपने हम तक अब तक भेजे हैं। सभी देशवासियों में राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है। लेकिन जब देश की बात आती है तो राष्ट्र के प्रतीकों और देश से जुड़ी दूसरी चीजों की बात आती तो वहाँ धर्म नहीं राष्ट्र सर्वप्रथम हो। धर्म के आधार पे राष्ट्र प्रतीकों का अपमान देशद्रोह हो। जो व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है पहले तो उसे भारत में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। राष्ट्र प्रेमी आगे आकर लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाएं। जब लोग धर्म के आधार पर बंटने लगे तो राष्ट्र प्रेमियों का कर्तव्य है कि उन सबको देश के तिरंगे के नीचे एक साथ लाकर खड़ा किया जाए। जनता धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का विरोध करे। जो लोग धर्म के नाम पर राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो। अगर ऐसे लोगों को समाज में ही जगह नहीं मिलेगी तो ये खुद ब खुद देश के प्रतीकों का सम्मान करने लगेंगे। ऐसे धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगे जो धर्म के आधार पर राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो धर्म के आधार पर लोगों से राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध करने को कहते हैं। ऐसे सभी संगठनों पे ये सारे उपाय है लेकिन यही उपाय पर्याप्त नहीं है, और भी कई उपाय करने जरूरी है। देशद्रोही इतने बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं, इतनी कार्रवाई आ कर रहे हैं कि एक घंटे के कार्यक्रम में उनको हम आपके सामने नहीं रख सकते। इसलिए बिंदास बोध में बार बार ऐसे विषयों को हम आपके सामने लाते हैं लेकिन फिर भी हमारा कैमरा जितना ढूंढता है उससे भी ज्यादा इस देशभक्तों के आंखों ने देशद्रोहियों को ढूंढना जरूरी है। किसी भी मंच पर जहां भी आपको संभव हो इनके खिलाफ बोलना जरूरी है। वो शादी ब्याह का मौका हो, कोई जन्मदिन का हो, या कोई अंत विधि का भी क्यों ना हो, आप जब भी लोगों को मिले तो इस देश में ये जो देशद्रोही की आंधी आ रही है जो आपके सारे मान्यताओं को धो देगी इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। याद रखिए ये देश कई बार टूटा है, अब की बार अगर टूटेगा तो ये देश नहीं बचेगा, और जब देश नहीं बचेगा तो आपका धर्म नहीं बचेगा, आपका मंदिर नहीं बचेगा, आपके श्रद्धा के स्थान नहीं बचेंगे, और शायद आप जैसे हैं ऐसे तो कम से कम नहीं बचेंगे। अगर हमने आपको अपने आप को भी बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, भविष्य के हिंदुस्तान को बचाना है तो
तो आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बिंदास में कहता हूं, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ नहीं आएंगे। अगर साथ आना है तो बोलना होगा, सुनाना होगा, वो समझ जाएंगे और जब समझेंगे तब साथ आएंगे और फिर कारवा बनेगा। यही कारवा देशद्रोहियों को इस देश से भगा देगा और इस भारत माता की तरफ टेढ़ी आंख करने वालों का नामो निशान मिटा देगा। हम, मैंने पहले भी घोषणा की है कि सुदर्शन न्यूज रोज सवेरे 7 बजे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को शुरू करने जा रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हो रहा यह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान रोज आप अपने टीवी के सामने खड़े होकर, दुकान में जहां भी है, मोबाइल में भी इसको देख सकते हैं। कुछ लोग अपने धर्म के लिए कहीं पर भी बैठ के उसकी प्रार्थना करते हैं। क्या आप देश के लिए जहां भी है वहां खड़े रहकर उसको रोज 2 मिनट का सम्मान नहीं दे सकते? वो देने का मौका हम आपके सामने सुदर्शन के नाम से, सुदर्शन के इस प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं। हम बच्चों बचपन में थे, स्कूल में थे, तब तो देश के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते थे, लेकिन आप कसम खाइए इस बहाने जब देशद्रोहियों ने आपको ललकारा है, कसम खाइए कि जब तक जीवित है, जब तक इस शरीर में जान है, हम हमारे चैनल के टीवी के सामने खड़े रहेंगे और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को पूरा सम्मान देंगे और देशद्रोहियों को इशारा भी देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।